तो ये बात तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए एमोलेड डिस्प्ले को वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले माना जाता है इन स्मार्टफोन मार्केट। और ऐसे में आपको एक एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन बाय करना है और आपका बजट 15,000 के आसपास है, तो देन ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि हमने आपके लिए टॉप 5 बेस्ट एमोलेड फोन शॉर्टलिस्ट किए हैं अंडर 15,000, जहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले तो छोड़ो 120 हर्ट्ज वाला कर्व डिस्प्ले मिलने वाला है, और उसके अलावा आपको 12 GB तक की रैम और 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप भी मिलने वाला है। और बाकी आपको गेमिंग के लिए काफी पावरफुल चिपसेट और 6000 मिली एमपैड की बिग बैटरी भी मिलने वाली है। तो चलो मल्टीमीडिया लवर्स, अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और 5th नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी F15 5G। तो देखो, यदि आपका बजट 12-13 हजार के आसपास है और आपको किसी भी चाइनीज फोन के चक्कर में नहीं पड़ना है और आपकी प्रायोरिटी डिस्प्ले, कैमरा और बिग बैटरी है, तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। एंड अब बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की FHD+ यूनोच वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करती है 90 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट, और साथ ही आपको 800 nits की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और बाकी इस पे आपको सिंगल स्पीकर और GG5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। एंड देखो, इसका डिस्प्ले काफी अच्छा तो है ही, बट आपको इसके यू नॉच के साथ कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। और साथ ही मल्टीमीडिया को लंबे देर तक एंजॉय करने के लिए इस पे आपको 6000 मिली एमपैड की बिग बैटरी दी गई है, बट इसके बॉक्स पे आपको एडेप्टर नहीं दिया गया है, वो तो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। और बाय द वे, ये फोन 25 वाट के टाइप सी चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एंड अब बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो इस पे आपको डायमेंसिटी 6100 का एक डिसेंट चिपसेट यूज किया गया है, जो कि नॉर्मल गेमिंग के लिए काफी सही रहने वाला है। और बाकी ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर रन करता है, और साथ में आपको 4 साल का ईयरली अपडेट भी पहुंचने वाला है। एंड अब बात करें इसके कैमरास की, तो इसके बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है विद अपर्चर 1.8, और बाकी उसके अलावा 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 का मैक्रो सेंसर भी दिया गया है, और साथ ही आपको सामने की तरफ 13 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो देखो, प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। और बाकी आप इसके बैक और फ्रंट कैमरे से मैक्सिमम 1080p पे 30 fps पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। एंड अब बात करें इसके प्राइसिंग की, तो इसके 4028 का प्राइस 13,000 पड़ता है। और यदि आपको अपने 1,000 रुपए बचाने हैं और आपको सेम स्पेसिफिकेशन भी चाहिए, तो देन आप 12,000 के प्राइसिंग में सैमसंग गैलेक्सी M15 5G को बाय कर सकते हो अमेजोन से। एंड अब इसके बाद मेरे लिस्ट 4th नंबर पे आता है पोको X6 Neo 5G। एंड देखो, इसका लॉन्चिंग प्राइस तो 15-16 हजार के आसपास था, बट अभी के समय आप इस डिवाइस को बिना किसी बैंक ऑफर अप्लाई किए 13,500 पे बाय कर पाओगे, और ऑफर लगाने के बाद आपको ये फोन तो 12,500 का मिलने वाला है। एंड अब बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.6 इंचेस की FHD+ 10 bits वाली एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट, और बाकी आपको 1000 nits की पीक ब्राइटनेस और GG5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है, और साथ ही इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और डुअल स्पीकर भी दिया गया है। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, इसका डिस्प्ले एक्चुअली में काफी अमेजिंग है, और बाकी इसके वेसल भी काफी यूनिफॉर्म है, और साथ ही इस पे आपको 5000 mAh की बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। एंड अब बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको डायमेंसिटी 6080 का एक 6nm बेस चिपसेट यूज किया गया है, जो कि कैजुअल गेमिंग के लिए काफी सही रहने वाला है। और बाकी इसमें आपको LPDDR4X की रैम और QFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है, और साथ ही इसमें आपको IP54 की रेटिंग और 5G के साथ बैंड्स भी एड ऑन किए गए हैं। एंड अब बात करें इसके कैमरास की, तो इसके बैक साइड पे आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, एंड इसमें सैमसंग HM6 का कैमरा सेंसर लगा है, और बाकी सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का टैप सेंसर दिया गया है, जो किसी काम का नहीं है, और आपको सामने तरफ सेंटर पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर दी गई है। एंड अब बात करें इसके कैमरा आउटपुट की, तो इसका कैमरा एवरेज काम करता है, और साथ ही आप इसके बैक और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 fps पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। एंड अब बात करें इसके प्राइसिंग की, तो इसके 8128 का प्राइस 13,500 पड़ता है, और वहीं इसके 12256 का प्राइस 15,500 पड़ता है। और देखो, यदि आपको 15,000 के अंदर में एक 12 GB रैम वाला फोन बाय करना है, जिसपे आपको एमोलेड डिस्प्ले भी मिल जाए, तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। और यदि आपको पोको का स्मार्टफोन बाय नहीं करना है, तो देन आप सेम स्पेसिफिकेशन के साथ रेडमी नोट 13 5G को बाय कर सकते हो, बट इसके लिए आपको
अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। एंड पोको के बाद में इस लिस्ट पे थर्ड नंबर पे आता है कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाले इंडिया का चीपेस्ट स्मार्टफोन लावा ब्लेस एक्स 5G। और देखो बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसपे आपको 6.67 इंचेस की FHD प्लस कर्व एमोलेड डिस्प्ले दी गई जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और बाकी आपको 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। एंड देखो नो डाउट इसका डिस्प्ले एक्चुअली में काफी जबरदस्त है और वैसे भी इसका मेन सेलिंग पॉइंट इसका अमेजिंग डिस्प्ले तो ही है और साथ ही इस पे आपको 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। एंड अब बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो इसमें आपको डायमेंसिटी 6300 का 6 NM पेस से एक लेटेस्ट चिपसेट यूज किया गया है और आप इस पे पबजी को मीडियम टू लो सेटिंग पे रन कर पाओगे। और बाकी ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पे रन करता है जहाँ पे आपको मात्र एक साल का ईयरली अपडेट भी मिलने वाला है। एंड अब इसके बाद बात करें इसके कैमरास की तो इसके बैक साइड पे आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है जिसमें से मेन कैमरा 64 MP का है एंड डिस्प्ले सोनी का कैमरा सेंसर लगा तो है बट कौन सा ये नहीं पता। और बाकी सेकेंड कैमरा 2 MP का माइक्रो सेंसर दिया गया है जो किसी काम का नहीं है और आपको सामने तरफ सेंटर कंसोल में 16 MP की सेल्फी सेंसर दी गई है और बाकी इसका कैमरा काफी एवरेज काम करता है और साथ ही आप इसके मेन कैमरा से 2K 30 FPS पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। एंड अब बात करें इसके प्राइसिंग की तो इसके 4128 का प्राइस 15000 पड़ता है। और देखो यदि आपको 15000 के अंदर में एक कर्व डिस्प्ले वाला फोन बाय करना है तो तभी आप इस डिवाइस को अमेजोन से बाय करना क्योंकि इस प्राइसिंग के इससे काफी बेटर स्मार्टफोन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर पे आता है नथिंग CMF Phone 1। एंड देखो इसका मेन सेलिंग पॉइंट इसका यूनिक डिजाइन और टॉप नॉच का यूजर एक्सपीरियंस है और साथ ही इसका डिस्प्ले भी काफी जबरदस्त है क्योंकि इस पे आपको 6.67 इंचेस की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और साथ ही आपको 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो देखो इसका डिस्प्ले रियली में काफी अच्छा तो है ही और साथ ही इसके साइड के वेसल भी काफी यूनिफॉर्म है और बाकी इसका डिस्प्ले काफी ब्राइट भी है बट इसपे आपको सिंगल स्पीकर ही दिया गया है जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। और बाकी इसपे आपको 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी दी तो गई है बट इसके भी बॉक्स पे आपको एडेप्टर नहीं दिया गया है वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। एंड ये फोन 33 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एंड अब बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो इसमें आपको डायमेंसिटी 7300 का 4 NM बेस से एक लेटेस्ट चिपसेट यूज किया गया है जिसपे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिल जाएगा और बाकी इसपे आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है और बाकी ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर रन करता है और साथ में आपको 2 साल का ईयरली अपडेट भी मिलने वाला है। एंड अब बात करें इसके कैमराज की तो इसके बैक साइड पे आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है जिसमें सेमीन कैमरा 50 MP का है एंड इसपे सोनी का कैमरा सेंसर लगा है और बाकी सेकंड कैमरा 2 MP का दिया गया है जो किसी काम का नहीं है और आपको सामने तरफ सेंटर कंसोल में 16 MP की सेल्फी सेंसर दी गई है और बाकी इसका कैमरा दिन के समय ठीक ठाक काम कर लेता है और साथ ही आप इसके मेन कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। एंड अब बात करें इसके प्राइसिंग की तो इसके 628 का प्राइस 15000 पड़ता है। और देखो यदि आप इस डिवाइस पे इंटरेस्टेड हो तो देन आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। एंड अब फाइनली मेरे लिस्ट पे फर्स्ट नंबर पे आता है रियलमी का बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन रियलमी नार्टो 70 टर्बो 5G। और देखो बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की FHD प्लस की OLED डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और बाकी आपको 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और काफी अच्छी बात है कि इसमें आपको डुअल स्पीकर भी दिया गया है। तो देखो एक बात तो माननी पड़ेगी रियलमी ने इसके डिस्प्ले को बेस्ट बनाने में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और साथ ही इसपे आपको 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी और 45 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। एंड अब बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो इसपे आपको डायमेंसिटी 7300 का एक लेटेस्ट चिपसेट यूज किया गया है जो कि 14 NM पे बेस है और देखो 7.5 लाख के आसपास इसका एंटीटू स्कोर कर जाता है और साथ ही आप इस पे फ्री फायर को 90 FPS पे रन कर पाओगे और बाकी इस पे आपको LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज भी दी गई है और हाँ ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ आता है और साथ में आपको 2 साल का ईयरली अपडेट भी मिलने वाला है। एंड अब बात करें इसके कैमराज की तो इसके बैक साइड पे आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है जिसमें सेमीन कैमरा 50 MP का है और बाकी सेकेंड कैमरा 2
MP का दिया गया है जो किसी काम का नहीं है। और आपको सामने तरफ सेंटर कंसोल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर दी गई है। तो देखो इसका कैमरा दिन के समय ठीक ठाक काम कर लेता है और साथ ही आप इसके मेन कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। और यदि आपको इससे बेटर कैमरा फोन चाहिए तो आप रियलमी नार्जो 70 Pro 5G को बाय कर सकते हो 15,500 पे। और बात करें रियलमी नार्जो 70 Turbo प्राइसिंग की, तो वैसे तो इसके 628 का प्राइस 17,000 पड़ता है, लेकिन इसमें आपको 1,000 का डिस्काउंट कूपन भी दिया गया है। और कूपन अप्लाई करने के बाद आपको ये फोन 16,000 का पड़ने वाला है। और देखो यदि आपका बजट 15,000 से ज्यादा नहीं है तो देन आप रियलमी P1 को बाय कर सकते हो 15,000 के प्राइस पॉइंट पे। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 बेस्ट सुपर एंड्रॉइड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन जिन्हें आप 15,000 के प्राइसिंग पे बाय कर पाओगे। और बाकी आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज।